हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरी सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, अगर आप ये रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल चलाते हो, अगर उसमें आपको बार बार स्विच ऑफ होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही आ रही है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, फिर कभी भी दोस्तों आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों क्या हो जाता है, अगर आपका फ्रेंड या कोई भी आपसे अगर मोबाइल आपसे मांग लेता है, तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है, वो कुछ उसमें सेटिंग छेड़ देता है या कुछ सेटिंग गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ होने लगता है। जब आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हो या कुछ भी इसमें काम करते हो, तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को बस पूरा देख लीजिएगा। जो सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, वो सेटिंग ही आपको अपने मोबाइल में करनी है, फिर उसके बाद आपको मोबाइल की जो प्रॉब्लम हो रही है स्विच ऑफ होने की, वो नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आपकी मेन सेटिंग ओपन हो जाती है, तो आपको इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाला। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना है। जब ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। चलिए हम इस वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों इस वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ये दो बटन दिख रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो एक ऊपर एक नीचे। तो फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में ये बटन ऑन रहेंगे, तो आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ होने लगेगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन वाले बटन को दोनों को यहाँ से बंद कर देना है। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये बटन किस काम में आते हैं, ये ऑप्शन क्या काम करता है आपके मोबाइल में। दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, ये आपके मोबाइल को ऑटोमेटिक स्विच ऑफ करने में या ऑन करने में काम करता है। अगर आप इसमें टाइमिंग सेट कर देते हो कब आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है और कब ऑन करना है, तो फ्रेंड्स फिर जो टाइम आप इसमें सेट कर देते हो, फिर आपका मोबाइल उसी हिसाब से ऑन और स्विच ऑफ होता रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ से बंद कर देना है। अगर आपका मोबाइल ऑन रहेगा, तो आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ या ऑन होने लगेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों हमारी ये वाली सेटिंग हो चुकी है फिक्स। अगर दोस्तों आपको ये सेटिंग करने के बाद ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है। हमें बैक आ जाना है। अब बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आपकी मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाती है, तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अबाउट फोन वाला, ये आपकी मोबाइल की सेटिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जब आपका ये ओपन हो जाता है, तो अबाउट फोन में आ जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिस्टम अपडेट, इसे ओपन कर लेते हैं। जब आपका ये ओपन हो जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आकर आपको ये चेक करना है कहीं आपके मोबाइल में अपडेट तो नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अपडेट आ रहा है, तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना होगा। दोस्तों ऐसा हो जाता है, अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ होने लगता है। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है और आके चेक करना है अपने मोबाइल में कहीं आपके मोबाइल में अपडेट तो नहीं आ रहा। दोस्तों मेरा मोबाइल पहले से ही ऑलरेडी अपडेट है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अपने मोबाइल को एक बार अपडेट जरूर से कर देना है अगर अपडेट आ रहा है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है, तो आपको बैक आ जाना है। दोस्तों आपको अबाउट सेटिंग में ही एक सेटिंग और देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे की तरफ आ जाना है। और नीचे की तरफ जैसे ही आप आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप एंड रिसेट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है। अब यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फैक्ट्री डाटा रिसेट। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रिसेट करना है। इससे दोस्तों करने से यह होगा, आपके मोबाइल में जो बार बार स्विच ऑफ होने की प्रॉब्लम हो रही है, ये आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फैक्ट्री डाटा रिसेट करने से पहले आपको अपने मोबाइल का बैकअप जरूर ले लेना है। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल का बैकअप नहीं लेते हो, तो आपके मोबाइल में जो भी डाटा पड़ा है, फोटो वीडियो जितना भी आपके मोबाइल में सब कुछ पड़ा है, वो सारा का सारा डिलीट लग जाएगा। तो आपको दोस्तों पहले उसका अच्छे से ध्यान रखना है, अपने मोबाइल का बैकअप जरूर से लेना है। बैकअप लेने के बाद ही दोस्तों आपको अपना मोबाइल फैक्ट्री डाटा रिसेट करना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम जो आ रही थी आपके मोबाइल में बार बार स्विच ऑफ होने की, ये आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी ये प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं होती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हो सकता है इसके ऊपर मैं आगे भी एक अच्छा सा वीडियो बना दूँ। तो ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको अपने मोबाइल में इतनी सेटिंग करनी है, इतनी सेटिंग करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल बटन दबा के भी ऑल प्रेस कर सकते हो।